गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स वर्क बुक में वर्कशीट 34 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ए, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। आकाश हैड अ 50 रुपी नोट, ही बाउट अ टॉय गन फॉर 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आकाश के पास एक 50 रुपीज़ का नोट था। ही बाउट अ टॉय गन फॉर 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे, जिससे उसने एक टॉय गन खरीदी 25 रुपीज़ 50 पैसे में। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसके पास कितने रुपीज़ बचे। और ये जानने के लिए हम 50 रुपीज़ में से 25 रुपीज़ 50 पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फॉर सॉल्यूशन, फर्स्ट हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे 50 रुपीज़ एंड सेकेंड हम लिखेंगे 25 रुपीज़ 50 पैसे। अब जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन हम फर्स्ट पैसे को करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, 0 - 0 = 0। अब हम 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम रुपीज़ वाले कॉलम से 1 बोरो करेंगे। और 1 बोरो करने के बाद यह 0 चेंज हो जाएगा 10 में, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 10। 10 - 5 = 5। अब हम यहाँ पर डॉट का यूज़ करेंगे जो रुपीज़ एंड पैसे को अलग रखता है। अब जब हमने 50 से 1 बोरो किया था तो यहाँ पर बच गया 49, इसलिए ऊपर इस सर्कल में हम लिखेंगे 49। अब हमें 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। 9 - 5 = 4 एंड 4 - 2 = 2। 50 रुपीज़ - 25 रुपीज़ 50 पैसे = 24 रुपीज़ 50 पैसे। आकाश के पास 24 रुपीज़ 50 पैसे बचे। इसी तरह ये क्वेश्चन आप अपनी मैथ्स वर्क बुक में भी सॉल्व करेंगे। ओके।